लोकसभा సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యే లైవ్ లో చూద్దాం. ये सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार शपथ ले. इससे संबंधित विषयों पर गहन विचार मंथन करते हुए एक संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा जिसमें मुख्य दलों को शामिल किया जाएगा और ये अपेक्षा की जाएगी कि शपथ अधिक प्रतिज्ञान को हम संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो. मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इसका संकल्प लें और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो. ये हम सब के लिए सदन के लिए चिंता का विषय और गंभीर विषय है. माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को ये सूचित करना है कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9 के अनुसार मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य रूप में नाम निर्दिष्ट किया है. श्री जगदम्बा पाल, श्री पीसी मोहन, श्रीमती संध्या राय, श्री दिलीप सेकिया, कुमारी शैलजा जी, ए राजा, डॉक्टर कोकोली घोष, दस्तिकार कृष्णा प्रसाद, अवधेश प्रसाद. माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है. मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है. माननीय सदस्य नियम अलाउ करते हैं लेकिन अध्यक्ष ने व्यवस्था दे चुके हैं और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है. माननीय वरिष्ठ वरिष्ठ वकील है. ओके. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित तारीख सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजात पत्र हिंदी और अंग्रेजी में सदन के पटल पर रखता हूं. धन्यवाद. एक बार बैठेंगे. हाँ, एक विषय माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है. अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें. कहीं माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं. आप बरसों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है. मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है. आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं. आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है. आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है. आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है. माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते. आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो. और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है. इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा. संविधान की मर्यादा के अनुसार लेके माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं. सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या, आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना, फिर बोलो नहीं है. सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल. आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो. आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी. देख जी, मैं आपके संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपके नतीजे सदन के पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 4 डॉक्टर पी चंद्रशेखर. ऑनरेबल स्पीकर,
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के समक्ष क्रम संख्या 4 में दर्शाए पत्रों को सभा पटल पर रखता हूँ। श्री सुकांत मजुमदार। ऑनरेबल स्पीकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के समक्ष 6 पर दर्शाए पत्रों को सभा पटल पर रखता हूँ। 5 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से अपने साथी मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह के नाम के आगे उल्लेखित दस्तावेज जो क्रम संख्या 5 पर अंकित है आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 श्री राजभूषण चौधरी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य व्यवहार की सूची के क्रम संख्या 7 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 श्री किरण रिजू जी। विद योर काइंड परमिशन आई राइज़, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि राज्यसभा 7 सदस्यों को राज्यसभा से लोक लेखा समिति के साथ सहबद्ध करने के लिए जो 30 अप्रैल 2025 तक और इस सदन को सूचित करे उन सदस्यों के बारे में जिसका नाम निर्देशन राज्यसभा से हुआ है। प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9 श्री किरण रिजू जी। सर विद योर महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन के सदस्य नियम 312(b) के उपनियम 1 में विहित है लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम, अपने में से 15 सदस्यों का चयन करें लोक उद्यम समिति के लिए 30 अप्रैल 2025 तक के। किरण रिजू जी, एक मिनट, सॉरी इसको पास कर प्लीज। प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 10 किरण रिजू जी। सर विद योर काइंड महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन राज्यसभा को 7 सदस्यों को लोक उद्यम समिति के साथ सहबद्ध करने के लिए 30 अप्रैल 2025 तक के लिए सहबद्ध करे और उन सदस्यों का नाम इस सदन को सूचित करे। प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 श्री किरण रिजू जी। सर विद योर महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्य नियम 331(b) के उपनियम 1 के तहत लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम, अपने में से 20 सदस्यों को अनुसूचित जाति जनजाति समिति के लिए चयन करें जिसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 तक होगा। किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 श्री किरण रिजू जी। सर विद योर काइंड महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन राज्यसभा को सिफारिश करे कि अपने में से 10 सदस्यों को बारे में बताए जो अनुसूचित जाति जनजाति समिति के सदस्य के रूप में काम करेंगे और 30 अप्रैल 2025 तक उनका कार्यकाल होगा और वैसे सदस्यों को bring laurels to the country and inspire the nation for greater glory in our Amrit Kaal. Papers to be laid on the table. Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 1(3) listed in today's revised business. Thank you, Chairman, sir. Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against the name of my colleague Sri
Kirtivardhan Singh at serial number 2 of today's revised list of business. Thanks. Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 of the today's revised list of business. Thank you, sir. Honorable members, I have received 4 notices on the subject to discuss on the situation arising out of irregularities, paper leakage and corruption in the National Eligibility Cum Entrance Examination NEET 2024 conducted by National Testing Authority NTA. Honorable members, Honorable Rashtrapati ji in her address delivered on 27 June 2024 to the members of both houses assembled together had mentioned in paragraph 20 in her address about issues as follows. I quote, "It is the continuous endeavor of the government to provide right opportunities to the youth of the country to demonstrate their talent. Whether it is competitive examinations or government recruitment, there should be no reason for any hindrance. This process requires complete transparency and probity. Regarding the recent instances of paper leak in some examinations, my government is committed to a fair investigation and ensuring strict punishment to the culprits. Even earlier, we had witnessed many instances of paper leaks in different states. It is important that we rise above party politics and undertake concrete measures nationwide. Parliament has also enacted a strict law against unfair means in examinations. My government is working towards major reforms in examination-related bodies, their functioning, and all aspects of the examination process. Under these circumstances, as the issue can be deliberated during address of the Honorable President to both the Houses of Parliament, I cannot persuade myself to accord acceptance to these notices.